सिटी साहब लास्ट टाइम जब आए थे तो इन्होंने यहाँ पे कचौड़ी ट्राई की थी। हवा महल के सबसे टॉप वाले सेक्शन, ये भी है किस रेट में? 600 मिष्ठान भंडार, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस टाइम पे हम हैं जयपुर सिटी में और प्लान है जयपुर सिटी को एक्सप्लोर करने का। कुछ लोकल मार्केट्स जो है एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, साथ ही साथ कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ, बिकॉज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। दोस्तों जो पहला हमारा डेस्टिनेशन है वो है बापू मार्केट। वहाँ जाने के लिए हमने ऑटो हायर किया, अपनी गाड़ी ली नहीं हमने, बिकॉज वहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है। आप लोग भी अगर बापू बाजार साइड जा रहे हैं, जो कि हवा महल पास में ही है, अगर वहाँ जा रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी गाड़ी लेके ना जाएं, बिकॉज पार्किंग की दिक्कत हो सकती है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप जो है ऑटो हायर कर लें, या फिर ऑटो रिक्शा या फिर साइकिल रिक्शा जो होता है वो हायर करके आप। दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन पे, जो कि है बापू बाज़ार। दोस्तों यहाँ पे इस मार्केट में जो है आपको कपड़े की दुकान ज़्यादातर यहाँ पर फेमस है। अगर आप लोकल कपड़े वगैरह जो है यहाँ के राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़े चादर वगैरह ख़रीदना है तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड से मार्केट है, काफ़ी लंबी है। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो दोनों साइड जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह है वो कलर्ड है पिंक में। इट्स नॉट एग्जैक्टली पिंक but it's like kind of orangish। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो है कपड़ों की दुकानें हैं, ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेसेस चादर वगैरह वगैरह अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, आप पीछे देख सकते हैं दुकान है काफ़ी फेमस, सरदार जी लस्सी और कचौड़ी वाले। ये दुकान दोस्तों बापू बाज़ार के अंदर ही है। सेठी साहब लास्ट टाइम जब आए थे तो इन्होंने यहाँ पे कचौड़ी ट्राई की थी, बता रहे हैं बहुत अच्छा है, रिकमेंडेशन है सेठी साहब की तरफ से, तो हम लोग यहाँ पे आए ट्राई करने के लिए। सेठी साहब कैसा है? मैं तो दो बार आया हूँ पांडे जी, और दोनों बार बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। अब इस बार हम आए तो सोचा कि एक बार फिर से ट्राई करके कर लेते हैं और पांडे जी को भी ट्राई करवाते हैं। चलिए देखते हैं, अंदर ट्राई करते हैं कचौड़ी और लस्सी और बताते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैठने का जो है अरेंजमेंट काफी अच्छा खासा है, साफ सुथरा रेस्टोरेंट लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे वेटर आता है तो उससे पूछते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, ऑर्डर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअली में कैसा है और आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं। क्या है यहाँ की स्पेशलिटी? क्या है? हिंगदाल कचौड़ी हमारी, हिंगदाल कचौड़ी, हिंगदाल कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, लस्सी है, तो सारा मेन्यू बता दिया। क्या खाओगे पांडे जी? एक बोले लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक स्पेशल हिंगदाल कचौड़ी लेनी है क्या? नहीं, मैं तो प्याज कचौड़ी लूँगा। दोस्तों हमने ऑर्डर किया है कचौड़ी, समोसा और लस्सी। तो दोस्तों ये आ गया हमारा खाना, यहाँ पर कचौड़ी, समोसा और ये है लस्सी। जहाँ ट्राई करते हैं, हम लोग काफ़ी भूख लगी है, ट्राई करने के बाद आप लोगों को बताएंगे कैसा है। तो दोस्तों खाना जो है हम लोग का यहाँ पे हो गया है, हमने जैसा कि बताया आप लोगों को कचौड़ी ट्राई की थी, प्याज कचौड़ी, लस्सी और एक समोसा भी लिया था। समोसा दोस्तों मतलब ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं, बट देन कचौड़ी जो है काफ़ी अच्छी थी और साथ ही साथ लस्सी। तो अगर आप लोग यहाँ पे बापू बाज़ार में आ रहे हैं और कचौड़ी इज समथिंग दैट यू क्रेव फॉर, देन दिस इज़ द प्लेस टू बी। कचौड़ी अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार जरूर आके ट्राई कीजिएगा, यू गाइस विल नॉट रिग्रेट। दोस्तों अब इसके बाद जो है हम आप लोगों को ले चलेंगे द फेमस हवा महल। यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर का वॉकिंग है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वॉक करके ही जाएंगे। खाना हम लोगों ने ज़्यादा खा लिया था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो प्लान है वॉक करके जाने का हवा महल तक।
कोशिश है कि तब तक डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सारी बिल्डिंगे हैं, सारी बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं दोनों साइड की, इधर की और इधर की, एक ही कलर से मतलब पेंट करी हुई है, और इसी के लिए इसको बोला जाता है पिंक सिटी। हालांकि एग्जैक्टली पिंक कलर नहीं है, बट जो भी कलर है सारी बिल्डिंग्स जो है इस एरिया में आपको दिखेंगी एक ही कलर से पेंट हुई है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं जयपुर के सबसे फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है हवा महल। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं हवा महल की एंट्री है। अब जहाँ तक टाइमिंग्स का सवाल है दोस्तों, तो हवा महल जो है सुबह 9 बजे से लेके 6:30 बजे तक खुला रहता है। इनफैक्ट 6:30 बजे आप लास्ट जो है टिकट विंडो जो है बंद हो जाती है, 6:30 बजे आप टिकट ले सकते हैं, 7 बजे एग्जैक्टली जो है एंट्री गेट बंद हो जाता है हवा महल का। तो अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पहले आएँ। टिकट्स की प्राइसेस है वो है 50 रुपीज़ पर एडल्ट, 50 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे पर पर्सन एंट्री टिकट्स के लिए। चलते हैं अंदर, अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कैसा एग्जैक्ट है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए यहाँ पे हवा महल के सबसे टॉप वाले सेक्शन पे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का व्यू आ रहा है, काफ़ी अमेजिंग है। आई डोंट नो कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर हो पाएगा नहीं, तो सनलाइट आ रहा है सामने से, बट देन आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी जयपुर जो सिटी है पूरी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया व्यू है। दोस्तों अभी जस्ट इससे पहले आपने देखा था हवा महल अंदर से, ये जो है व्यू जो है एग्जैक्टली आपको बाहर से व्यू देख रहा है। इस व्यू के लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली आप मेन रोड पे ये है हवा महल,
और यहाँ पे आप आके फोटोग्राफ वगैरह ले सकते हैं, बाहर से काफ़ी अच्छा दिखता है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्वीट शॉप्स। इनफैक्ट यहाँ पे बिल्डिंग पे लिखा हुआ है कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1727। सो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ का घेवर जो है बहुत ही फेमस है। अंदर चल के घेवर ऑर्डर करते हैं, खा के देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं। दोस्तों खाना हमारा यहाँ पे हो गया। हमने ऑर्डर किया था एक रबड़ी घेवर, जिसको कि मलाई घेवर भी बोलते हैं। इट वॉज़ रियली टेस्टी, बहुत ही बढ़िया था। आप लोग भी अगर जयपुर आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, और यहाँ पे आके इसका जो है मलाई घेवर या फिर यूँ कहिए कि रबड़ी घेवर जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल नॉट रिग्रेट। अंदर जो है आपका सेल्फ सर्विस के साथ साथ डाइनिंग का भी ऑप्शन है, तो अगर आप जयपुर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। I will definitely recommend it. ये भैया किस रेट में? 650। 650 में इसमें और इससे बेटर क्वालिटी। तो दोस्तों अब फाइनली जो है आज दिन जो है ख़त्म हो गया और हम लोग वापस आ गए अपने होटल में। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के बाद हम लोग गए थे वापस से बापू बाज़ार, बिकॉज सेठी साहब को जो है कुछ शॉपिंग करनी थी घर के लिए। सेठी साहब ने काफ़ी सारी चादरें खरीदी बापू बाज़ार से, अपने लिए भी और अपने पड़ोसियों के लिए भी। टाइम काफ़ी सारा लग गया था, तो उसके बाद टाइम बचा नहीं था कहीं पर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज जयपुर जो है बहुत जल्दी बंद हो जाता है शॉप्स वगैरह सब कुछ। तो हम लोग वापस आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।